माया तेनू पता है जिहड़ा लोहड़ी का त्योहार है ना ओ ए दसदा है कि फसल की कटाई होने वाली चंगी फसल होने करके सारे किसान इस त्योहार नू बड़ी खुशी दे नाल मनाउंदे ते धूनी च तिल सुट के ना असि अपने दलिद्र नू साड़ दिंदे लोहड़ी का नाम वैसे भी पहला तिल ते रेवड़ियों ते बनिया सी तिलोड़ी फिर हौली हौली हुंदिया हुंदिया लोहड़ी हो गया। अच्छा भाभी तुहानू पता है मेनू लगदा सी लोहड़ी ते सोने कपड़े पाई दे आ गच्चा खाई दे आ ते रेवड़ियां खाई दे आ मेनू ना इन्नी इंपोर्टेंस तुसी दसी आ। तेनू पता है लोहड़ी दी होर भी बहुत सारियां कहानियां है दूल्हा पट्टी वाली बारे का तेनू पता ही होना है। हाँ ओ सुंदर मुंदरिये होए ए वाली ना। हाँ बिल्कुल तेनू पता है लोहड़ी सानू ए भी दसदी है कि हुण ए जिहड़े ठंड वाले ते धुंदा वाले दिन ने ना ए हुण जाण वाले नहीं ते निग्गी निग्गी सोहणी सोहणी जी धुप आउण वाली है फिर सुनहरे दिन आने शुरू हो जाते हैं सारे ना इन्होंने दिनों का बड़ी बेसब्री नाल इंतजार करते हैं। सो सारे ही बड़े वधिया तरीके नाल लोहड़ी बना के ना धूमधाम नाल लोहड़ी मना के इन्होंने दिनों का वेलकम करते हैं। तो वैसे भी ना इस वारी लोहड़ी की मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मेरी तो रणवीर की पहली लोहड़ी जो है। वाह एदा मतलब है इस बार लोहड़ी ते बड़ा मजा आने वाला है। हाँ बिल्कुल ए हो गया सिंदूर ते ए हो गया चूड़ियां मैं कुछ भूली तो नहीं। वाह मम्मी जी बड़िया तैयारियां शैरियां कर रहे हो किसी दे व्याह ते जाने दी तैयारी हो रही है। नहीं अरमान ए मैं लोहड़ी दी तैयारियां कर रही हूं देशो दी रणवीर नाल व्याह तो बाद ए पहली लोहड़ी है ना ते एक मां होने दे नाते मेरा फर्ज बनता है पुत्र कि ओदे वास्ते मैं ये सब कुछ करा ड्यूटी है पुत्र मेरी कि उस वेले मैं देशो दे कोल होवां ते उन्हां दे उज्जवल भविष्य वास्ते शुभकामनावां दवां। देख अरमान किवें लग रहा है सही सजे ना। सच्ची मम्मी जी बहुत सोहना सजाया होया सच्ची बहुत वधिया लग रहा है। मम्मा जी तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो कि सानू ना देशो दी वधिया लाइफ दी दुआवां करनियां चाहीदियां ने बेचारी पहला ही किन्ना कुछ सह चुकी है उहदे। बिल्कुल ठीक है पुत्र उहदे ए सब सहन पिछे ना मैं जिम्मेवार हाँ सच्ची मैं माफी मंगदा हां। मम्मी जी अब एक काम करियो आना कुछ पैसे रख लो तुसी ना देशो वास्ते कुछ वधिया जा खरीद के लेके जायो उहदे लई मैं चाहुंदा आ कि देशो ना इस लोहड़ी दे मौके ते कुछ वधिया जा अपने वास्ते लवे। थोनू तो पता ही है मेरे तो लवेगी नहीं जायज भी है मेरे तो क्यों लवे पर मम्मी जी वो थोनू कदी इनकार नहीं कर सकती सो प्लीज मैं उन्हें लोहड़ी ते कुछ देना चाहुंदा आ तुसी रख लो। ठीक है पुत्र हेलो। हाँ जी कॉल क्यों की थी इतनी जल्दी की है मेरे तो इंतजार नहीं हो रहा तो बस यही पता करना सी कि इत्थे आखिरकार चल की रहा है। मैं ना इस वक्त किचन च खड़ी हूँ मैं इत्थे गल नहीं कर सकती इत्थे कदे भी कोई भी आ सकता है। फिर उस जगह ते जाओ जिथे तुसी मेरे नाल गल कर सको। कॉल क्यों की थी है काम की है। मैं तो बस यही पूछना सी कि फाइनली तुसी लोहड़ी मना रहे हो। हाँ लोहड़ी ते असी सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इस लोहड़ी च ना मैं बस चढ़ के हिस्सा लवांगी। किहदे नाल गल कर रही है माया। भाभी तुसी किहदे नाल गल कर रही हां। किसे नाल नहीं भाभी ओ एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड दा फोन सी ओ लोहड़ी बारे पूछ रहा सी ते मैं ओनू दस रही सी कि असी बड़े वधिया तरीके नाल लोहड़ी मना रहे हां। फ्रेंड सी फ्रेंड या फिर कोई खास फ्रेंड। भाभी तुसी भी ना वैसे तो अपने इस खास फ्रेंड नु ना लोहड़ी दे फंक्शन ते बुला सकदी है। भाभी एवं कह के ना तुसी मैनू तंग ना करो चल लीजिए ना होवे तो
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। अब मैनू पता लग गया कि तुसी आज ऑफिस आए हो, बहुत खुशी हुई ये जान के। सो जदों मैनू पता लग गया ना ते मैं नाल ही तुहाडे कोल आ गया तुहाडा वेलकम करन वास्ते। हाँ थैंक्स। वैसे मैं जिन्ना खुश हाँ ना ये जान के उन्ना हैरान भी हाँ कि तू इन्ने सारे दिनों विचों अज दा दिन ही क्यों चुनिया ऑफिस आने वास्ते, कि तुहाडे घर लोहड़ी दी सेलिब्रेशन नहीं हैगी। असल च तो मैं भी इतों निकलन वाला ही सीगा क्योंकि मम्मी जी भी घर आके ना रेडी हो गए सके तुहाडे वल लोहड़ी का फंक्शन अटेंड करने वास्ते। सो मैं सोचा कि मैं जांदे आंदे उन्हां नूं पिक कर लूंगा। तू निकल, मैनू थोड़ा ना इंपॉर्टेंट काम सी ताही मैं ऑफिस आया सी। मैं एक काम करूंगा फिर जाऊंगा। कोई चक्कर वाली गल नहीं है, मैं इत्थे वेट कर लैना वा, मैं तेरी हेल्प कर दिंदा वा घर पहुंचने लई। नहीं नहीं मैं एक काम खत्म करके आऊंगा, तू निकल। वैसे रणवीर तू ना बहुत खुशकिस्मत है कि आज त्योहार वाले दिन तेरा घर च कोई इंतजार कर रहा है। हाँ मेरे घर तक कोई भी नहीं हैगा जो मेरा इंतजार करे। ते जेड़ी मेरी लाइफ विच सीगी ओदी मैं कदी कदर ही नहीं पाई, पर जे मैं तेरी जगह हुंदा ना रणवीर जरूर ओदी कदर करता। चल मैं चलदा, टेक केयर। हाँ कर रही है कोई मेरा इंतजार, पर मैं उत्थे जाना ही नहीं चाहता। मैं उस सेलिब्रेशन का पार्ट बनना ही नहीं चाहता। मैं हुण उहदे काबिल ही नहीं रहा। सतनाम, वाहेगुरु, वाहेगुरु सच्चा पाशा। देशो? हां जी मासी जी। पुत थोड़ी देर से सेलिब्रेशन शुरू हो जाना है। ते मैं सोच रही हूँ त्यार होने तो पहला मैं थोड़ा जा रेस्ट कर लवा, उस तो बाद चे ना गेस्टा का आना शुरू हो जाना है। ते बीइंग होस्ट सानू सारिया नू त्यार होके रहना पवेगा। ते तू भी ना सारिया दे आउण तो पहला सारे काम छड के पहला तैयार हो जा, क्योंकि तेरी ये पहली लोहड़ी आ ते सारिया दी अखा साडी नूरानी ते होंगियां। मैं अपने कमरे से जा रही सी मासी जी तैयार होना। ओके आ सच रणवीर कद तक आ रहा आ? इनू ना वैसे अज ऑफिस जाना ही नहीं चाहिदा सी, पर ये किसी दी मानदा किथे आ? मासी जी उन्होंने जाना नहीं सी ऑफिस, वो एक्चुअली एक जरूरी काम आ गया सी। सूट बहुत सोहना पाया है। थैंक यू। वैसे ना तुसी सारे ने बहुत चंगा किया टाइम नाल आके। ले आना नहीं सी तुहाडे नूं पुत्र दी पहली लोहड़ी जो है व्याह तो बाद। सीरत नहीं आई अजे? ओ कदी किसे प्रोग्राम ते टाइम नाल आई भी हैगी है कदे? ठीक कह रहे हो तुसी। मम्मा मैं ना टोल वाले अंकल नूं बुला के लेके आया। ठीक We'll be right back.
रणवीर फोन क्यों नहीं चक रहे? चलो लोहड़ी जलाइए, रौनका लगन गया। हाँ हाँ जी हाँ जी, हमने बाल दिया है, चलो चलो हाँ। चलो नहीं उठो उठो, तुम भी सारे आ जाओ सारे, जल्दी करिए। देशो तू ही रणवीर को जा ते जाके फिरी ले ले पुत्र। मासी मेरा देखो, हम देख रही हैं। खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, कितने खड़ा ही ना हो जाए। रणवीर आप इकट्ठे कर दे, ले आओ मैं मदद कर दूं। मैं हेल्प कर दा? नहीं मैं हेल्प की लोड़ नहीं। मैं हेल्प कर देना। मैं क्या ना, मैंने तुहाड़ी हेल्प दी कोई लोड़ नहीं। वीरा हे वाहिगुरु तेरा शुक्र है, आज दे दिन साढ़े ते कृपा करन लई किन्ने दिना दे बाद रणवीर नू अपने पैरां ते खड़ा वेख्या आ। सच ही कहंदे सी डॉक्टर कि चमत्कार भी हुंदे ने। इतना कमाल हो गया। हाँ। शाबाश तीए, तू हिम्मत ना हारी। डो वरी वीरे, हुन तो आड़ नाल ना दो दो वंडर वूमन है। ईश्वर आए दलिद्र जाए, दलिद्र दी जड़ झूलने पाए। ईश्वर आए दलिद्र जाए, दलिद्र दी जड़ झूलने पाए। मैं ठीक। पता नहीं बैलेंस किवें बिगड़ गया। ये ता लत्ता कमजोर है ना, तो वो पार नहीं संभाल सके। मैनू लगता है रणवीर नू ना रेस्ट की लोड़ है, सानू अंदर जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मैनू भी यही लग रहा है कि ना इनू रेस्ट की लोड़ है। आपां चलिए लेके अंदर इनू। देशो एक मिनट, वैसे भी सारे गेस्ट दे जान दा टाइम ते हो ही गया है,
इन्हां नाल मिल के इन्हां दा आशीर्वाद ले ला फिर चल जी अंदर। चंगा जी सत श्रीकाल भैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुम आए। हाँ जी जी सत श्रीकाल जी। रुको रुको रुको, मेरा नौ ते पुत पहली बार लोहड़ी तो बाद घर च एंटर कर रहे। डॉक्टर असल च ना मैं खड़ा हो गया सी ते मैं लोहड़ी दे आले दुआले ना एक राउंड भी पूरा किया। भावे मैनू मेरी बाइक ते सिस्टर दी सपोर्ट सी पर मैं राउंड तो पूरा लिया। हाँ दसे उन्होंने मैनू ते डॉक्टर उस वक्त मैनू ये भी लगा जिवें मेरी लत्त च ना मैं सेंसेशन नू फील कर सकता सी। हुण कुछ महसूस हो रहा? नहीं। हुण कुछ फील हो रहा? नहीं डॉक्टर मैं कुछ फील नहीं करते। उन्होंने मैं दसिया से तुसी चलते हुए डिग भी पे सी? हाँ डॉक्टर मैं डिगता पिया सी पर मैं ना राउंड पूरा कर लिया सी। ओके रणवीर जी तो आधे कुछ होर टेस्ट करने पैणगे। पापी टेंशन ना लो डॉक्टर बस आंदे ही होने। डॉक्टर सब ठीक था? मैं श्योरली कह नहीं सकता कि कोई प्रोग्रेस है। बेशक वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं पर हाले भी उन्होंने लोअर बॉडी पार्ट से सेंसेशन नहीं। पर डॉक्टर आज तो अपने पैरों पे खुद खड़े हुए ने, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट तो होएगी। यस तुसी जो कहा है उन्होंने कीता है। बेशक वो अपने पैरों पे खड़े हुए ने पर हो सकता है सारे ना खड़े हुए हो। मैं चंगी तरह चेक किया है उन्होंने लोअर बॉडी पार्ट से कोई सेंसेशन नहीं है। पर मैं नहीं कह सकता कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तुम थोड़े टेस्ट लेने पैणगे एक्सरे करवाना पड़ेगा ताकि ये कंफर्म हो सके कोई इंजरी तो नहीं हुई कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तुसी कल उन्होंने क्लीनिक लेके आओ। ठीक है डॉक्टर। ओके मैं हूं चल। थैंक यू डॉक्टर। हे परमात्मा सब कुछ सही करियो साढ़े ते कृपा करियो। बस हुण सब कुछ ताड़े ही उत्ते है। मासी जी सानू ते खुश होना चाहिए था कि वाहिगुरु जी ने इन्ना वधिया साइन दिता कि असी जो कर रहे हैं जेडे रस्ते ते जा रहे हैं वो रस्ता बिल्कुल सही है। अज रणवीर अपने पैरां ते खड़े हुए ने। जे वाहिगुरु जी ने इत्थों तक पहुंचाया ना ते तुसी देखना वाहिगुरु जी सानू पार भी लंघाउणगे। हुण ना मैनू पूरा यकीन हो गया कि बहुत जल्दी रणवीर अपने पैरां ते खड़े हो जाएंगे। हुण असीं पिछे मुड़ के नहीं देखना असीं होर मेहनत करांगे ते अगली लोहड़ी ते रणवीर अपने पैरां ते खड़े होके खुद सारे फेरे लैणगे बिना किसी की मदद तो। हेरे नाल रब करे इस तरह तू कहण दई इदां ही होए। इदां ही होएगा मासी जी मैनू पूरा यकीन। वाहिगुरु मेहर करियो। रणवीर दूध पी लो। होर थोड़ी मेहनत करनी पैनी। तुसी देखिया ना किस तरह वाहिगुरु जी ने अज सानू साइन दिता है। उन्होंने साइन दिता है कि असीं जिस रस्ते ते जा रहे हैं ना वो रस्ता बिल्कुल सही है ते तुसी बहुत जल्दी ठीक हो जाना। थानू पता है मैं ना
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਘੁੰਮਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਣਾ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਜੀਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਰਮਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਤੇ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਜਾ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੇਸ਼ੋ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਣਵੀਰ ਬਾਰੇ। ਹੋ, ਓਕੇ, ਅਬ ਦੇਸ਼ੋ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਦਰਅਸਲ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਰਣਵੀਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਰਮਾਨ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ ਅਰਮਾਨ? ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਦੇਸ਼ੋ ਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗੀ ਅਰਮਾਨ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਬੀ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਹੈਲੋ ਦੇਸ਼ੋ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਰਣਵੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਖੜੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ।
मैनू ना इस वारी पूरी उम्मीद है किरण वीर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे ते बहुत जल्दी ना अपने पैरां ते चलन लग पैणगे। मैनू बहुत ही खुशी हुई देशो ये सब सुन के पुत्र। भावे डॉक्टर ने एश्योरिटी नहीं दी कि रणवीर कद ठीक होंगे या कितना टाइम लगेगा पर मैनू पूरा यकीन है कि जिस तरह कल रणवीर खड़े हुए ने ना अपने पैरां ते उस तो सानू पता लगता है कि रणवीर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे ते बहुत जल्दी चलन भी लग पैणगे। परमात्मा तुहाडे ते आशीर्वाद बनाए रखे पुत्र ते जल्दी सब कुछ ठीक करे। मेरी ता यही अरदास है रब नूं। बिल्कुल मम्मी जी ध्यान रखियो आप। हेलो फाइनली तुसी मेनू याद ता कीता। इतना लंबा टाइम किवें लग गया? मैं तुहाडी कॉल दा इंतजार कर रहा सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ? ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਵੀਰਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾ ਫੇਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੇਰਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ।